दैट इज़ मेचुका विलेज, नदी के उस तरफ, ब्रिज के उस तरफ, और हमें अभी ऊपर जाना है, राइट? ऊपर जाके पहाड़ घूम के फिर मतलब के राउंड उतर सकते हैं, तो कुछ दिक्कत हुआ तो वापस आते हैं, नहीं तो फिर यहीं से आएंगे। लेकिन ये मेरा शौक था ऐसे ग्रे लैंड में हाइक करने का, वो आज पूरा हो जाएगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सुबह बहुत ठंड लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई करके ही एकदम बहुत गर्मी लगने लगा। जैकेट वैकेट खोल के रख दिया बैग में। ये जगह मस्त है, यहाँ से जो वैली नज़र में आता है दैट इज़ ऑसम। कुछ अल्पाइन मीडोज, कुछ पाइन ट्रीज़ जैसे कल देखने को मिल रहा था, और पीछे में माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन, ऑसम। एक अलग सा जगह है, इंडिया में भी एक टिबेट का एहसास। ये शायद हमारा इस ट्रिप का फास्ट ट्रेक है, डे हाइकिंग। लेकिन ये हाइकिंग भी बहुत कठिन है भाई, बहुत ऊंचा है, बहुत स्टीफ है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इसका वैली है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, कहीं से भी व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है। हाँ, वो पीछे वहाँ पे दार्जिलिंग विलेज जहाँ पे कल हम शाम को गए थे, एकदम पीछे, और सामने मेचुका। मतलब कि आप जहाँ भी जाओ मेचुका सेंटर में रहता है। मेचुका को सेंटर में रख के हर जगह को यहाँ पे बनाया गया है, प्लान किया गया है।
तो अभी हम एकदम पहाड़ के एकदम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे पहाड़ों में लिखा गया है मेचुका हॉलीवुड स्टाइल में। तो पता नहीं हमें मतलब कि उस साइड से मेचुका विलेज से तो दिखता है, अभी यहाँ से हाँ यहाँ से पूरा का पूरा मेचुका तो लिखा दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा होगा हर एक अक्षर। लेकिन अच्छा लग रहा है कि हम टॉप में पहुँच चुके हैं और यहाँ से एकदम मेचुका विलेज और भी आसपास में जितने भी विलेजेस है वो तो सभी यहाँ से देखने को मिल रहा है। नज़ारा कमाल का है, चारों तरफ माउंटेंस, लग रहा है कि एक दीवार सा बना हुआ है और बीच में मेचुका। हमें एकदम अभी एकदम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से पूरा का पूरा मेचुका जो शहर है वो यहाँ से दिख रहा है और एक नदी, क्या नदी का नाम बताया था, योगमे नहीं योमगोम ऐसा कुछ याद नहीं है, जो भी ऐसा कुछ लोकल नाम है। एक्चुअली एक ही नदी का बहुत सारे जगहों में अलग अलग नाम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं तो अलग अलग ट्राइब्स के लिए अलग अलग नाम है। ये नदी जाके बाद में सियांग के साथ जुड़ता है, फिर सियांग लोहित डिबैंग मिलके ब्रह्मपुत्र होके असम से बहता हुआ बांग्लादेश चला जाता है। बहुत बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से व्यू है मेचुका का और मैं जब भी मेचुका लिख के सर्च करता था गूगल में तो यही जो लोकेशन है यही चीज़ मुझे देखने को मिलता था। तो जब से मैं आया था तब से मुझे लग रहा था कि कहाँ से वो व्यू कहाँ से मिलता है। कल जब हम उस साइड में गए थे मोनेस्ट्री में तब भी हमें इसका व्यू मिला था लेकिन वो अलग एंगल था और अभी ये अलग एंगल है, अभी एकदम हम सामने हैं मेचुका का। यहाँ से हमारा होम स्टे भी दिख रहा है अभी, है ना। हाँ अगर आप में से कोई मेचुका घूमने के लिए आना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तीन चार दिन नहीं, यहाँ पे 4 to 5 days थोड़ा आप यहाँ पे रहिए, रुकिए इस जगह में। और आसपास में बहुत सारे गांव हैं तो अगर आपको उस गांव में जाना है, उस गांव में जाके उन लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करना है, उनके घरों में थोड़ा रुकना है तो आप कर सकते हो। और आसपास में भी एरिया बहुत बहुत वास्ट है, हमने तो कल बाइक रेंट करके जितना भी हो पाया हमने घूमा और आज का दिन था हमारा तो हमने ऐसा एक ट्रेक किया छोटा सा। लेकिन हाथ में ज़्यादा टाइम रहने से पीछे की तरफ भी कुछ जगह है जो दिख रहा है यहाँ से गांव है तो वो जगह भी आप जा सकते हो, बहुत सुंदर जगह है। उस साइड में भी कुछ वैली है लेकिन वहाँ पर कोई लोग नहीं रहता है, फिर इस साइड से लोगों का बस्ती शुरू होता है। इस साइड का वैली मुझे और भी अच्छा लग रहा है, कोई भी घर नहीं किसी का, कितना सुंदर प्योर नेचर। और ये नदी वाला किनारा है इसलिए यहाँ पे बस्ती बन चुका है। लेकिन जो भी कहो ठंड बहुत है यहाँ पे तो सभी विंटर का सामान जो भी है वो लेके आना। ये हो गया मेरा मेचुका का पानी, ये रिवर एकदम साफ सुथरा सा रिवर है।
एकदम लिटरली नीचे तक दिख रहा है इस रिवर का। पानी भी बहुत ठंडा है। के लग रहा है कि कोई ठंडी सी जगह में हम लोग आए हैं। ठंडी तो थी, पासीघाट से ही शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है कि फ्रीजिंग वाला जो फीलिंग जो हम ढूंढते हैं ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर। लास्ट ईयर इसी टाइम में हम लोग थे हिमाचल प्रदेश में जीवी में, वो एक फैमिली ट्रिप था, और अभी इस साल हम है अरुणाचल प्रदेश में। तो नॉर्थ से ईस्ट आ चुके हम एक साल में, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हेवी नॉर्थ ईस्ट मिला दिया। हंसना जरूरी था। हंसो हंसो हंसने के लिए। ये क्या हुआ? ये